हमारे जो विधि वेत्ता है उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, उसमें एक फ्रेश पिटीशन की गुंजाइश है, तो अभी चर्चा कर रहे हैं, तो आवश्यकता लगी तो वो करेंगे। इसमें क्या कारण बताया याचिका खारिज करने के, आगे फिर क्या नया उसमें संशोधन करेंगे? देखिए, इससे पहले भी 2008 में भी सिमिलर केस था, जब स्पीकर ने उसको खारिज किया था, क्योंकि उस समय कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी। और इसमें भी ये लगातार जो इससे पहले जब स्पीकर के यहाँ पेंडिंग थी, स्पीकर ने अभी उसको खारिज की थी, उसका निर्णय अभी पूरी कॉपी आनी बाकी शाम तक, वो हम अपने कानूनी लोगों से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फ्रेश पिटीशन हाईकोर्ट में वापस दाखिल करेंगे। कब तक याचिका दाखिल करनी होगी? अब उसमें स्कोप है, एक दिन दो दिन जितनी तैयारी हो जाएगी, जल्दी से जल्दी करेंगे। अभी जी, क्या इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष की मंशा पर आपको कोई सवाल लगता है कि पहले तो फैसला नहीं किया या फिर रिमाइंडर कराया उसके बाद में फैसला दे दिया, लेकिन कहा कि हमने उसको सार्वजनिक नहीं किया, तो क्या किसी का पर्सनल मामला है क्या जो सार्वजनिक नहीं करें? देखिए, उनको विशेषाधिकार है, और इस तरीके की जब याचिकाएं जाती हैं तो उनको खारिज करने का, एक्सेप्ट करने का, निर्णय देने का। लेकिन मुझे लगता है कि जो तत्परता, जो कांग्रेस के जो नाराज लोग थे उनको नोटिस देने में दिखाई गई, वैसी तत्परता बीएसपी के लोगों के इस स्टेटस को डिसाइड करने में नहीं दिखाई गई, तो थोड़ी कहीं ना कहीं शंका लगती है। दूसरा, आज एक सामान्य सी बात थी कि जब निर्णय हो गया और उन्होंने खारिज कर दी तो उसकी कॉपी उनको देनी थी, लेकिन पिटिशनर मदन दिलावर को उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, तो सामान्य सी बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज जब कल सतीश मिश्रा जी ने बीएसपी की तरफ से जो एक पत्र जारी किया है, जिसमें स्पीकर महोदय को और महामहिम राज्यपाल महोदय को, उसमें उन्होंने सारगर्भित तरीके से उन उदाहरणों का हवाला दिया है कि इस तरीके के सिमिलर केसेस में कोर्ट्स ने उसमें रिलीफ भी दी है। और मोटे तौर पे कहा जाए तो बीएसपी का अपना एक चुनाव चिन्ह है, उसका सिंबल जारी होता है, तो बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई मर्जर नहीं हुआ, इसलिए विधायकों का मर्जर ये संवैधानिक तौर पर जायज है नहीं है, इसका फैसला न्यायालय करेगा, क्योंकि स्पीकर खारिज कर चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पिटीशन वापस फाइल होने के बाद जो चर्चा होगी उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। सर, एक सवाल है कि यह अनुच्छेद 356 का आप कहते हैं कि तिरान व्यवहार उल्लंघन किया है, मतलब उसका दुरुपयोग किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि आजकल ये जो विधायकों को खरीदने का काम है आप कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रहा आपकी पार्टी में और उनकी पार्टी में? ये तो सामान्य आरोप है राजनीति में खरीद फरोख्त का, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद का आरोप खुद पर ही लगा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, एक फेक सी बात है कि अपने घर के झगड़े को बीजेपी के माथे पर मढ़ना, लेकिन कांग्रेस ने बरसों बरस ये किया और बहुत स्थापित तरीके से किया। इसके एविडेंसेज देखे लोगों ने, किस तरीके से संसद लोकसभा के दौरान किस तरीके से विधानसभाओं में उनका आचरण पूरे देश भर में रहा है, और मान लीजिए दो बार लूली लंगड़ी सरकार को उन्होंने मैनेज करके जुगाड़ का मैंडेट मैनेज किया। 2008 में अशोक गहलोत जिनने कोई भंडारे में समर्थन लिया वैसा भी नहीं है, बीएसपी के लोग उस समय मर्ज हुए थे, क्या कारण था, क्या डील हुई थी। इसी तरीके से 2018 में भी सिमिलर इसी तरीके की चीजें हुई हैं, वो किस तरीके से निर्दलियों को, दूसरे छोटे दलों को मैनेजमेंट का उदाहरण साफ दिखता है कि बीटीपी का एक विधायक सरकार को कोसते हुए निकलता है, वीडियो जारी करता है, और दूसरे तीसरे दिन आके तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन अशोक गहलोत जी की जादूगरी से तो नहीं हो सकता, कोई न कोई कारण है, धुआं है तो आग भी कहीं न कहीं होगी। 5 तारीख को राम मंदिर की नींव है भाई साहब, और 10 तारीख को सोनिया जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नहीं, उसका इससे क्या संबंध है कि राम मंदिर का निर्माण और सोनिया जी का कार्यकाल? आजकल विधायकों खरीदने का काम है आप कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रहा आपकी पार्टी में और उनकी पार्टी में? ये तो सामान्य आरोप है राजनीति में खरीद फरोख्त का, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद का आरोप खुद पर ही लगा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, एक फेक सी बात है कि अपने घर के झगड़े को बीजेपी के माथे पर मढ़ना, लेकिन कांग्रेस ने बरसों बरस ये किया और बहुत स्थापित तरीके से किया। इसके एविडेंसेज देखे लोगों ने, किस तरीके से संसद लोकसभा के दौरान किस तरीके से विधानसभाओं में उनका आचरण पूरे देश भर में रहा है, और मान लीजिए दो बार
लूली लंगड़ी सरकार को उन्होंने मैनेज करके जुगाड़ का मैंडेट मैनेज किया। 2008 में अशोक गहलोत जी जिनने कोई भंडारे में समर्थन लिया वैसा भी नहीं है, बीएसपी के लोग उस समय मर्ज हुए थे, क्या कारण था, क्या डील हुई थी। इसी तरीके से 2018 में भी सिमिलर इसी तरीके की चीजें हुई हैं, वो किस तरीके से निर्दलियों को, दूसरे छोटे दलों को मैनेजमेंट का उदाहरण साफ दिखता है कि बीटीपी का एक विधायक सरकार को कोसते हुए निकलता है, वीडियो जारी करता है और दूसरे तीसरे दिन आके, तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन अशोक गहलोत जी की जादूगरी से तो नहीं हो सकता, कोई न कोई कारण है, धुआं है तो आग भी कहीं न कहीं होगी। 5 तारीख को राम मंदिर की नींव है भाई साहब, और 10 तारीख को सोनिया जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नहीं, उसका इससे क्या संबंध है कि राम मंदिर का निर्माण और सोनिया जी का कार्यकाल। संविधान में हर व्यक्ति को उनके अपने अधिकार बताए हुए हैं, उनका वो समय समय पर उपयोग भी करते हैं। कैबिनेट सलाह देती है सत्र बुलाने की और राज्यपाल महोदय उस पर विचार करते हैं। जब तक कि इतना प्रिविलेज राज्यपाल को है कि उसके बारे में संतुष्ट हो जाए कि सत्र बुलाने का कोई वाजिब कारण नहीं। कोरोना का कारण बनाया तो कोरोना तो 13 मार्च को कोरोना के कारण ही सत्र अवसान हुआ था। मुझे लगता है कि सरकार इस सारे सत्र बुलाने के पीछे जिस तरीके का षड्यंत्र कर रही है वो अपने ही लोगों पर चोट पहुंचाने के लिए कर रही है, जिसपे अभी भी अशोक गहलोत जी पीछे लगे हुए हैं कि उनके जो लोग हैं, उनसे जो नाराज और निराश लोग हैं, उन लोगों को किसी के उसमें परिश करें, चाहे फ्लोर पर उनको डिस्क्वालीफाई करके करें या एसओजी के जरिए जो दो लोग उनको अरेस्ट करके करें, कहीं ना कहीं ये सियासत केवल सत्र बुलाने की नहीं, इसके पीछे की भी सियासत है।